हेलो एवरीवन, प्रतीक शर्मा दिस साइड। एक्चुअली एक आप सोच रहे होगे कितना ज्यादा लेट कैसे सेशन हो गया। थोड़ा सा अभी जब ऑनलाइन हम यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करते हैं तो वहां पे गो लाइव का ऑप्शन आता है, और मेरे को ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं ट्रेनिंग देते हुए, और अभी मुझे कॉल आती है, कॉल आके बताया कि सर गो लाइव हो ही नहीं रखा। तो 15 मिनट से मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो अब शुरू से मेरे को ट्रेनिंग होस्ट करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तो काफी सारे पार्टनर हमारे साथ कनेक्टेड है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी का वेलकम है Win23 कम्युनिटी के अंदर। तो मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, एंड आज हम टॉपिक पे बात करेंगे मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर। देखो, हम सभी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं, बट हमें देखना पड़ेगा आज के टाइम पे कौन सी इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो हो रही है। अगर हम भी उस इंडस्ट्री का सही टाइम पे पार्ट बनेंगे तो हम भी डेफिनेटली ग्रो होंगे। ठीक है, देखो टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्टर, वी हैव टू अपडेट अवर सेल्फ। अगर हमें आज के टाइम पे कामयाब होना है तो हमें टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है। हम सभी ने नोकिया का नाम सुना था, अपडेट करना क्यों जरूरी है? एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नोकिया। नोकिया एक वक्त था हर घर में चलता था, आज नोकिया को कोई पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि नोकिया ने एक टाइम था जब एंड्रॉइड का टाइम आया, उस टाइम नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, और लोग सभी मार्केट एंड्रॉइड की साइड जा रही थी। और आज बात करें, वही एंड्रॉइड आज नंबर 1 चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, है ना, और नोकिया को आज कोई नहीं जानता। आज वो नोकिया दोबारा एंड्रॉइड में आया, बट अब वही चीज है ना कि बाकी ब्रांड्स ने अपनी मार्केट कवर कर ली है। तो उसी तरीके से टाइम के हिसाब से चेंज होना बहुत जरूरी है। मार्क जुकरबर्ग भी ये बात कहते हैं, जो फेसबुक कंपनी के मालिक है, इन अ वर्ल्ड दैट्स चेंजिंग रियली क्विकली, ये वर्ल्ड जो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, द ओनली स्ट्रेटजी दैट इज गारंटेड टू फेल इज नॉट टेकिंग रिस्क। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो तो गारंटेड फेल है, जो जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे आज के टाइम पे, कुछ नया स्टार्टअप नहीं करेंगे, वो तो जिंदगी में गारंटेड फेल है। ये कोई और नहीं, मार्क जुकरबर्ग बोलते हैं। देखो एक वक्त था 1910 का, जब इंडिया में नई नई फिल्म इंडस्ट्री आई थी, उस टाइम इंडस्ट्री के बारे में लोग नेगेटिव बोलते थे, बट उस टाइम अपॉर्चुनिटीज थी इंडस्ट्री में जाने की। उस टाइम किसी को भी मौका मिल जाता था फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, और कुछ लोग उसके अंदर गए, आज वो लोग सारे करोड़पति हैं। जो लोग बोलते थे कि तुम मूर्ख हो, कहाँ जा रहे हो, इधर कुछ नहीं बनेगा, आज उसी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो 183 बिलियन इंडियन रुपीज की टर्नओवर है आज इस इंडस्ट्री की। बट हमारे घर कुछ आता है? 1 रुपया नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे कोई फैमिली में कोई इस इंडस्ट्री का पार्ट ही नहीं है। 1955 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया, जिन लोगों ने प्लास्टिक का ट्रेंड के अंदर बिजनेस स्टार्ट करे, आज वो सारे करोड़पति अरबपति हैं। फिर उसके बाद 1965 में ट्रांसपोर्ट का टाइम आया। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे लोग एक एक गाड़ियों से 10-10 गाड़ियां खड़ी कर लेते थे, एक एक ट्रक से, और आज एक ट्रक ले लो उसकी किस्तें पूरी करनी मुश्किल है। क्यों? आज एक कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। पर जो लोग सही टाइम पे ट्रेंड से जुड़ जाते हैं वो करोड़ों रुपया कमाते हैं, करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं। ऑयल इंडस्ट्री का टाइम आया 1975 में, लोगों ने उसके अंदर करोड़ों अरबों रुपया कमाया। 1985 के अंदर कंप्यूटर का ट्रेंड आया, आज हम सभी देख रहे हैं, आज हर जगह हर घर में मैक्सिमम घरों में कंप्यूटर मिल जाएगा, एक छोटी पॉकेट में भी हमारे कंप्यूटर है। जबकि कंप्यूटर नवे नवे इंडिया के अंदर आए थे ना, तो लोग बोल रहे थे कि ये नहीं चलेगा, ये जॉब खा लेगा, बहुत बहिष्कार किया गया। बट वही है ना, जो रेवोल्यूशन चल रहा है वो उसे कोई रोक नहीं सकता। आज हर एक ऑफिस में कंप्यूटर चलता है, आज हर एक ऑफिसर, और कंप्यूटर के आने से देश की डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुई है। आज इसी इंडस्ट्री का जो लोग सही टाइम पे पार्ट बने, उन्होंने अपनी कंपनी खड़ी कर दी, और जो पार्ट नहीं बने वो यूजर बन गए। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, कोई भी इंडस्ट्री जब आती है वर्ल्ड के अंदर, कोई भी नई इंडस्ट्री आती है, तो दो तरह के लोग होते हैं, एक उसमें बिजनेस करते हैं और करोड़ों रुपये रुपया कमाते हैं, और जो बिजनेस नहीं करते वो उस इंडस्ट्री के यूजर बन जाते हैं। जैसे फिल्म आप देखते हो, आप फिल्म इंडस्ट्री के यूजर हो, प्लास्टिक की चीजें यूज करते हो, प्लास्टिक की इंडस्ट्री के यूजर हो, ट्रांसपोर्टेशन के हम यूजर है, ऑयल के हम यूजर है, कंप्यूटर के हम यूजर है, पर पैसा कौन कमा रहे हैं जो उसमें बिजनेस कर रहे हैं। बट आज अगर उस चीज का काम शुरू करना है तो आपको पता ही है, 1995 में टेली कम्युनिकेशन का टाइम आया, एसटीडी का टाइम आया, आपने देखा होगा लोगों ने एसटीडी में कितना पैसा कमाया, बट आज के टाइम पे इंडस्ट्री नहीं चलती। ठीक है, आज अपडेट हो चुके। 1990 के अंदर रियल इस्टेट का टाइम आया, जो हजारों की जमीनें थी लोगों ने सही टाइम पे उनको खरीदा, आज वो जमीनें करोड़ों की हो चुकी है, आज करोड़ों अरबों रुपए की हो चुकी है। रियल इस्टेट के अंदर लोगों ने अरबों रुपया कमाया, आज भी बहुत सारे लोग रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं, बट आज रियल इस्टेट में भी काम करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया पहले से ही चाहिए, पर पहले बहुत कम में शुरू हो जाता था। ठीक है, अब देखो कोई भी इंडस्ट्री जब किसी आती है, किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी इंडस्ट्री जब नवी नवी आती है, तो उसका उस इंडस्ट्री के 4 फेसेस चलते हैं। सबसे पहला फेस होता है नेगेटिव फेस। जब भी कोई इंडस्ट्री आएगी तो उसको सबसे पहले लोग नेगेटिव बोलते हैं उसके बारे में, कि ये नहीं चलेगा, ये ऐसे है, ये वैसे है। मैंने एक स्टोरी बताता हूँ आपको, एक जापानी शू कंपनी थी, उसमें ना एक उस कंपनी ने ना किसी अदर कंट्री के अंदर अपना खुद का प्लांट खोलना था, तो जापानी शू कंपनी के ओनर ने अपने एक मैनेजर को उस कंट्री में भेजा।
और वहां पे बोला कि सर्वे करके यहाँ प्लांट खोलना सही रहेगा। तो उनने सर्वे किया, वहां देखा कोई भी जूते नहीं पाता था। उसने कॉल किया अपने कंपनी के ओनर को कि सर यहाँ पे प्लांट मत खोलना क्योंकि जूते कोई नहीं पाता, तो काम नहीं चलेगा। अब क्या हुआ, उसी उसी कंपनी के मालिक ने उस मैनेजर को बुला लिया, अपने दूसरे मैनेजर को भेजा और उसे बोला सर्वे करो। उनने सर्वे किया, उसने बोला सर यहाँ तो कम से कम 500 करोड़ का प्लांट खोल लो। कहता है क्यों, कहता है क्यों खोल ले। उनने जवाब पता क्या दिया, कहता सर यहाँ जूते कोई नहीं पाता, सबको जरूरत है जूतों की और काम चलेगा ही चलेगा। तो दो तरह के लोग हैं, कोई भी एक होते पॉजिटिव सोचते हैं किसी चीज के बारे में, एक नेगेटिव सोच। जो नेगेटिव सोचते हैं उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं अपॉर्चुनिटी के, वो उस अपॉर्चुनिटी से 1 रुपया नहीं कमाते। पर जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो लोग करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं। पर वही है ना, हमारे एवरेज लोग जो होते हैं ना दुनिया में, वो हमेशा हर एक अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले स्कैम समझते हैं, एवरेज लोग। पर स्मार्ट लोग हमेशा उस अपॉर्चुनिटी के अंदर स्कोप देखते हैं, उसके अंदर ग्रोथ देखते हैं। जब नेगेटिव फेस होता है तो कुछ स्मार्ट लोग होते हैं उस नेगेटिव फेस में वो जुड़ते हैं और अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं। धीरे धीरे जब वो करोड़ों रुपया कमाने लग जाते हैं फिर उसका पॉजिटिव फेस आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपने कोई नया स्टार्टअप किया, जब वो ग्रो होने लग जाएगा ना, स्टार्टिंग में तो आसपास के लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, पर वो जब आपकी ग्रोथ देखेंगे तो धीरे धीरे वो बोलेंगे हाँ यार पैसा तो आ रहा है, हाँ यार ये तो ग्रो हो रहा है। फिर तीसरा फेस आता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ फेस। फिर लोग ऑटोमेटिकली आपके साथ उस इंडस्ट्री में ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो बोलेंगे हमें भी आपके साथ काम करना है। चौथा स्टेज है, दैट इज कॉम्पिटिशन फेस। ये कॉम्पिटिशन फेस क्या है, जब ग्रोथ फेस खत्म हो जाता है ना फिर उसी फील्ड के अंदर कंपटीशन आ जाता है, बहुत बड़ा कंपटीशन होने लग जाता है। जैसे हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं, 1970 के अंदर सरकारी नौकरियां लोगों को घर से उठा उठा के मिलती थी। उस टाइम लोग क्या बोलते थे, नहीं हम तो अपनी खेती करेंगे, हम क्यों बने किसी के नौकर। क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था तो गुलामी किसी को पसंद नहीं थी। पर अब सबको पसंद है। आज खुद ही जाते हैं, जी मेरे को खरीद लो 10-12 हज़ार रुपए में, खरीद लो जी मेरे को, प्लस इतने ही दे दो, मैं आपका गुलाम हूं, मैं 9 से 6 आपके लिए काम करूंगा। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा डिजाइन करके गए लोग अंग्रेज। उस टाइम लोगों को घर से उठा उठा के जॉब मिलती थी, अनपढ़ों को भी जॉब मिलती थी और लोग रिजेक्ट करके आ जाते थे। पर आज की बात करें, आज वही चीजें चेंज हो चुकी है, आज वही चीजें, आज उसके अंदर इतना कंपटीशन आ चुका है कि लोग सुसाइड भी करने के लिए तैयार है सरकारी नौकरी के लिए। लोग 10-10, 15-15 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मैं आईएएस पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से लगे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उनसे जाके अगर आप पूछोगे इतने साल आपने दे दिए क्या रीजन है, तो पहली चीज तो कहेंगे जॉब सिक्योर है, अगर आप काम नहीं भी करोगे तो आपको निकालेंगे नहीं। हमारे माँ बाप भी यही कहते हैं कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट है, काम नहीं करना पड़ेगा। इस रीजन की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ना कोई नहीं चाह रहा, लेकिन पढ़ाना हर कोई चाह रहा है ताकि काम ना करना पड़े। पीएचडी टॉपर ने मांगी मौत, जबकि टैलेंटेड बच्चे हैं, अच्छे एजुकेटेड बच्चे हैं, बट कुछ जॉब के अलावा सोचते ही नहीं, जबकि वो अपने टैलेंट से खुद का एम्पायर भी बिल्ड कर सकते हैं। पर वही बात है ना, माइंडसेट, एक पुअर माइंडसेट उनको आगे बढ़ने नहीं देता सरकारी नौकरी का। हमारी सरकार के भी कई स्टेट के सीएम भी यही बात कहते हैं, सरकारी नौकरी का लालच छोड़ के बिजनेस करे युवा। अब हम 21वीं सदी के अंदर है, हमें देखना पड़ेगा आज के टाइम पे हम किस इंडस्ट्री में अपना करियर लगाए। अगर हमें एक राइट इंडस्ट्री राइट टाइम पे मिल जाए तो हम भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मेरे को मिली थी 6 साल पहले और मैंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के। तो वो इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आप भी उससे जुड़ के अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं और उस इंडस्ट्री के अंदर आपको वो चीज करने का मौका मिलता है जो अमीर लोग करते हैं, जो अमीर लोग करोड़ों रुपया लगा के कर पाते हैं ना, हमें फ्री में मौका मिलता है वहां पे। So, आज 21वीं सदी में 2 इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, जिसका नाम है एक वेलनेस इंडस्ट्री, जिन जिनके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ स्लाइड में। इनका नाम है मिस्टर पॉल जेन पिल्सर, जो अमेरिका के इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, ऑथर है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को जो लोग सलाह देते हैं ना वो पर्सन है ये। और इन्होंने एक बात बोली है कि आने वाला जो रेवोल्यूशन, इन्होंने ही बोला था आने वाला दौर कंप्यूटर का होगा, तो कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज कंप्यूटर देख लो कितना बूम पे है, कंप्यूटर की इंडस्ट्री है ना। इन्होंने जो 2 इंडस्ट्री आज के टाइम पे बोले, इन्होंने बोला आने वाले टाइम के अंदर लोग जो इतना भी पैसा कमाएंगे वो अपने ऊपर खर्चेंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने आप को अच्छा दिखाने में। आज से 15-20 साल पीछे चले जाओ आप, आपको ना इतने जिम मिलेंगे, ना हॉस्पिटल मिलेंगे, ना ब्यूटी पार्लर मिलेंगे। और डे बाय डे ये चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारी हेल्थ पुअर होती जा रही है आज के टाइम पे, तो लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए।
और वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हेल्थ इंडस्ट्री भी है, पर्सनल केयर स्किन केयर इंडस्ट्री, जो कि ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हर इंसान की नीड है आज के टाइम पे। और जो लोग भी इसका पार्ट बनेंगे, जैसे बाबा रामदेव 2006 में उन्होंने पतंजलि ब्रांड को शुरू कर दिया, 2006 में उनको पता था आने वाले दौर के अंदर इसकी डिमांड बढ़ेगी, हेल्थ की डिमांड बढ़ेगी, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ लोग जाएंगे, तो मैं अगर उस चीज को, उन्होंने कपड़े का बिजनेस क्यों नहीं किया, उन्होंने मोबाइल फोन का ब्रांड क्यों नहीं खोला, सोच के देखो। स्मार्ट एक ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। दूसरी इंडस्ट्री का नाम है दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। जिस इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में, बहुत सारे लोग इसके इसकी इसका नाम सुनते हैं, बहुत सारे लोग इसको लेके नेगेटिव भी है, और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री की बात करें, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी अभी तक इंडस्ट्री आई है, सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री ने बनाया है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं, नॉलेज नहीं है। जिसको नॉलेज है वो तो करोड़ों रुपया कमा रहा है, जो इंफॉर्मेशन लेके बैठा है उसे कुछ नहीं आ रहा। तो मैं इस इंडस्ट्री की नॉलेज आपको देना चाहूंगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री आज के टाइम की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के दिग्गज लोग भी कहते हैं। और इस इंडस्ट्री की बात करें कि बाहरले देश जो हमसे कितने साल आगे है, अमेरिका, अमेरिका के अंदर बात करें इस टाइम इस इंडस्ट्री में अमेरिका जो है वो नंबर वन पे, नंबर टू पे है, चाइना नंबर वन नंबर टू पे है, फिर जर्मनी, कोरिया, जापान, ब्राजील, मलेशिया, ये सारे देश इस इंडस्ट्री के अंदर अरबों रुपए का टर्नओवर करते हैं। इंडिया की बात करें, अभी रिसेंट का डाटा आया था 2018-19 का, उसमें बात करें चाइना नंबर वन चला गया था इस इंडस्ट्री के अंदर, नंबर टू पे यूएसए, नंबर थ्री पे कोरिया, नंबर फोर पे जर्मनी, नंबर फाइव पे जापान। और हमारा इंडिया, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो फिर भी ये इंडस्ट्री की बात करें इसमें 19वें नंबर पे है। 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की अभी तक इंडस्ट्री हुई है इंडिया में, जो कि बनता है 15 से 16 हजार करोड़ की इंडस्ट्री अभी भारत के अंदर। पर ऐसा नहीं है कि आगे आगे की एक्सपेक्टेशन पता हूँ क्या है इंडिया की, अगर आने वाले टाइम की बात करें, अभी जो करंट ग्रोथ है इंडिया की वो 15,900 करोड़ की है, बट आपके घर कुछ नहीं आया होगा, जो इस इंडस्ट्री का पार्ट बने उन्होंने करोड़ों रुपया कमाया। और 2025 तक इस इंडस्ट्री की ग्रोथ इंडिया के अंदर 64,500 करोड़ की बोल दी गई है। और ये मैं नहीं कह रहा, गवर्नमेंट संस्थान कह रहे हैं, फिक्की हो गया, काफी सारे ऐसे है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बोलते हैं कि आने वाले दौर के अंदर ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होगी 2025 तक। डायरेक्ट सेलिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस इंडस्ट्री के ऊपर गाइडलाइन बनाई हुई है, ठीक है, 2016 में। और ये तक कि इस इंडस्ट्री का नाम आज न्यूज में भी आना शुरू हो चुका है, पीएचडी करने के बाद गोबर उठाने से अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग करे भारत का युवा, ठीक है। और इस इंडस्ट्री के बारे में बड़े बड़े दिग्गज लोग क्या कहते हैं, ये शख्स है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी बात करें दुनिया के सबसे बड़े ऑथर में आते हैं, और उन्होंने एक बुक बनाई है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड, बेस्ट सेलिंग बुक है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, जिसमें किसी सदी के बिजनेस के बारे में बहुत जबरदस्त क्लैरिटी दी है। और ये शख्स एक चीज बोलते हैं, ये खुद नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं, कहते हैं ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमें रेडीमेड बिजनेस सिस्टम मिलता है, जिसमें हमें कोई लाखों करोड़ों का रिस्क नहीं लेना खुद का पैसा लगा के, हमें बना बनाया बिजनेस मिलता है, बस हमें उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के अपने आप को ग्रो करना है। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका देश कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की खुद की नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड है जिसका नाम है द ट्रंप नेटवर्क, और ये खुद इस ब्रांड इस चीज को प्रमोट करते हैं। व्हेन डोनाल्ड ट्रंप आस्क्ड रिसेंटली, व्हेन ही, उससे एक चीज पूछी गई ट्रंप से, अगर आपका सब कुछ छीन लिया जाए तो आप जीरो से, आपको अगर अपना करियर शुरू करना पड़े तो आप क्या करोगे, तो डोनाल्ड ट्रंप भी क्या बोलते हैं, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ अपना करियर लगाऊंगा। और हमारे यहाँ पे जेब में 10 रुपए नहीं है, ये अरबपति लोग बोल रहे हैं, यहाँ जेब में 10 रुपए नहीं है और बोलते हैं मैं दुनिया का ज्ञान है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, वो इस दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान होता है जो ये बोलता है मुझे सब पता है, सबसे मूर्ख होता है वो इंसान। और मैं आपको बता दूं, जो बोलता है ना मुझे कुछ नहीं पता, वो इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पर्सन होता है, सबसे इंटेलिजेंट। स्टीव जॉब्स ने एक बात बोली है, स्टे हंगरी स्टे फुलिश, एप्पल के, एप्पल ब्रांड जिन्होंने खड़ी करी, स्टे हंगरी स्टे फुलिश। वो एक बहुत गरीब परिवार से उठे थे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि अपनी डिग्री की एजुकेशन को पूरा कर ले, बीच में छोड़ दी, अपनी खुद की एक छोटी सी कंपनी का नाम से स्टार्ट किया एप्पल को, आज इतना बड़ा ब्रांड बनाते। वो कहते हैं हमेशा भूखे रहो किसके, ज्ञान के, और हमेशा फुलिश बेवकूफ बने रहो, क्योंकि बेवकूफ बन के ही ज्ञान लिया जाता है, स्मार्ट बन के ज्ञान नहीं लिया जाएगा, ओवर स्मार्ट बन के।
आज इस इंडस्ट्री के ऊपर बुक्स बन चुकी है, बुक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ठीक है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या बोलते हैं, एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो हमारे इंडिया के, वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है 21वीं सदी का, जो कि हर एक यंग मैन और वुमेन को ज्वाइन करना चाहिए। हमें सलाह किनकी लेनी चाहिए लाइफ में, हम खुद जानते हैं, हमें उन लोगों की सलाह लेनी चाहिए जो लोग जिंदगी में खुद बहुत सफल है। विवेक बिंद्रा, इंडिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, आज ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर है ये। बड़े बड़े ब्रांड इनसे सलाह लेते हैं, बड़े बड़े ब्रांड इनकी इनकी 1 घंटे की ट्रेनिंग ना, 1 घंटे की ट्रेनिंग की कीमत 20 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं ये 1 घंटे के, अगर आपको इनके 1 घंटे की ट्रेनिंग लाइव लगानी है ना, 20 लाख रुपए का इवेंट करते हैं ये। अगर आपको इनका इवेंट रखवाना है, 18 से 20 लाख रुपए कॉस्टिंग है इनकी। और ये क्या कहते थे इंडस्ट्री को लेके, ध्यान से सुनिएगा। अगर इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए, पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक, गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका, ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं मैडम। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी देखिए, पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं, तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए, और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। तो सोच के देखिए, हमें किनकी सुननी चाहिए जो ऑलरेडी करोड़पति है, और आने वाले टाइम के अंदर इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बोला जाता है, एमएलएम इंडस्ट्री बोला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बोला जाता है, और हमारी एजुकेशन सिस्टम में आज इस चीज के डिप्लोमा हो रहे हैं। 1.5 लाख रुपए फीस है इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेने के लिए, पीजी डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग एट शोलिनी यूनिवर्सिटी, 1.5 लाख रुपए फीस है इस डिप्लोमा की। क्लियर करके देखो, हमारी बुक्स तक में इस इंडस्ट्री के बारे में आज आने लगा है, कॉमर्स की बुक्स के अंदर आ चुका है। आज मेरा ना एग्जाम है बीकॉम फाइनल ईयर का, तो मैंने ना उसमें कुछ देखा, मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। ये है हमारी बुक बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर, इसमें क्या चीज मिली, वट डू यू अंडरस्टैंड बाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बेनिफिट्स क्या हैं एंड इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, स्किल्स चाहिए, कॉरपोरेशन। मेरे को तो ज़्यादा फ़ायदे ही दिखे, बाकी आप सभी समझदार हो, आप सभी को भी दिख रहा होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर बुक में भी है, तो शायद हम सबको रियल में भी करना चाहिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी स्किल्स हमको सिखा सकती है, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इधर से आपको सीखने को मिल सकती है। सो डियर, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, और इस इंडस्ट्री के अंदर अर्निंग की बात करें, top 10 अर्नर देखे ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मंथली इनकम $12 लाख तक कमा रहे इस इंडस्ट्री से। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में top 10 अर्नर है, और 9th नंबर पे जिस शख्स का आप नाम देख रहे हैं, रॉल्फ कीप, ये फॉरएवर से है, ये फॉरएवर ब्रांड से है रॉल्फ कीप, जो $5 लाख तक एस्टिमेट मंथली इनकम अर्न कर लेता है, और आप इंडियन करेंसी में इसको कैलकुलेट करना 4-5-6 करोड़ रुपया बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडस्ट्री में ग्रो होने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लर्न। इस इंडस्ट्री में ग्रो होने का सिंपल प्रोसेस है, लर्न, शेयर एंड अर्न, सिंपल सी सिस्टम इस सिस्टम में काम करता है। अब हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है, इंडस्ट्री के अंदर जिस ब्रांड का हम पार्ट है, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग। देखो, इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर फ्रॉड नहीं होते, और फ्रॉड कौन करते, एक मंदिर में आप जाते हो, आपकी चप्पल चोरी हो जाती है, मंदिर कभी नहीं करता, लोग करते हैं। उसी तरीके से कई लोग
कई फेक कंपनीज खोलते हैं और लोगों के पैसे को बोलते हैं 10,000 लोगों को 15 करके देंगे, और हमारे इंडिया में लालची लोग उसमें फंस जाते हैं, और फिर वो लोग क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्री खराब है। इंडस्ट्री खराब नहीं होती, हम गलत इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे। अगर हम नकली सोना खरीद के ले आएंगे असली सोना समझ के, तो हम खुद मूर्ख हुए ना। आपको कभी भी 5,000 का नकली नोट नहीं मिलेगा क्योंकि उसका असली नहीं आता, पर 2,000 का मिल जाएगा क्योंकि उसका नकली आता है। उसी तरीके से मार्केट में कई फेक स्कीम स्कैम्स भी होते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेके लोगों के साथ स्कीम स्कैम करते हैं। बट वी आर वेरी लक्की कि हम ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, ऐसे ब्रांड का पार्ट नहीं है। हम एक ऐसे ब्रांड का पार्ट है जो पूरे वर्ल्ड में नंबर वन है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, 160 से ज्यादा देशों में चल रही है। ठीक है, कोई भी ब्रांड आप सर्च कर लेना, 165 देशों के अंदर आपको शायद ही कोई ब्रांड मिलेगी। अब बात करें, देखो हम सभी ने देखा कि अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अमीर अमीर होने का और गरीब गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है कि अमीर लोग हमेशा एक मैन पावर के साथ काम करते हैं, एक टीम के साथ काम करते हैं, एक नेटवर्क के साथ काम करते हैं, और गरीब लोग हमेशा अकेले काम करते हैं। जैसे एक दूध वाला ज्यादा पैसा कमाते हैं, दूध की कंपनी, दोनों में क्या फर्क है? दूध वाला लिमिटेड पैसा कमाएगा क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है, पर दूध की कंपनी एक मैन पावर के साथ काम करते हैं और करोड़ों लोगों तक अपनी सर्विसेज को पहुंचा देते हैं, क्योंकि उसके नीचे एक मैन पावर, उसके पास एक नेटवर्क है। अगर हमें भी अमीर होना है तो हमें भी अपना नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, बट उसके लिए करोड़ों रुपया चाहिए। क्या हमारे पास है? शायद नहीं है, बट हमें फॉर एवर लिविंग हमें मौका देती है खुद का नेटवर्क बिल्ड करने का और लाखों करोड़ों रुपए की पैसिव इनकम जनरेट करने का। बात करें, ये बिजनेस 160 देशों में स्टेब्लिश है, सारा बिजनेस सीसी पे काउंट किया जाता है। सीसी को समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसी एक्चुअली में पॉइंट्स है जो फॉरएवर ने अपने प्रोडक्ट्स को दिए हुए हैं। हर प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट मिले हैं, और 1,000 पॉइंट का 1 सीसी बनता है, 2,000 पॉइंट का 2 सीसी बनता है। फॉरएवर के बिजनेस प्लान की बात करें, स्टार्टिंग में हम सभी की यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, और जैसे हम अपनी आईडी पे 2 सीसी का बिजनेस कर देते हैं, हम फॉरएवर के यूजर से हटके बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं इस ब्रांड के। उसके बाद हम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपनी टीम डेवलप कर सकते हैं, अपना खुद का एक नेटवर्क बना सकते हैं, और हम भी जो काम करते हैं और हमारी टीम भी जो काम करे, हम तो पैसा कमाएंगे, हमारी टीम भी पैसा कमाएगी। ठीक है, और जो भी बिजनेस हमारा और हमारी टीम का मिलके होता है, जैसे ही वो 2 मंथ में 25 सीसी का हो जाता है, आप बन जाते हो सुपरवाइजर, 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर और 120 सीसी पे मैनेजर। और भगवान ना करे कल हमें मैनेजर लेवल पे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, हमें कुछ हो जाता है, हमारे बाद हमारी टीम तो काम कर रही है, हमारे बाद भी जो टर्नओवर होता रहेगा उसका पैसा हमारे घर में हमारे मरने के बाद भी आता रहेगा 15 तारीख को काउंटर। ठीक है, ऑल लेवल्स आर परमानेंट, सारे लेवल परमानेंट है, और इसी इंडस्ट्री का पार्ट बन के लोग बहुत आगे तक ग्रोथ ले चुके हैं, बहुत आगे तक। ठीक है, पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री, यंगस्टर्स आज इस इंडस्ट्री से लाखों रुपया कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट वो ही कमा रहे हैं जिन्होंने अपनी सोच को बदला। कहते हैं चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ, जब तक सोच नहीं बदलेगी जिंदगी कभी नहीं बदल सकती। पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। वो कहते एक बार चार दोस्त बैठे थे तो शादी में गए, तो वहां पे ना सबने खाना खुना खा लिया, फिर स्वीट डिश खाने लगे, तो वेटर स्वीट डिश लेके आया, हलवा था, तो एक शख्स खा नहीं रहा था। उससे तीनों दोस्त ने, भाई तू खा क्यों नहीं रहा, तेरे को पसंद नहीं है? कहता पसंद तो बहुत है। कहता फिर खा क्यों नहीं रहा? कहता मैं इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि पिछली बार जब मैंने खाया था ना, मेरा मुंह जल गया था। अब उसका मुंह क्यों जला था? क्योंकि उसने गरम गरम खाया, बिना सोचे समझे खाया। वैसे कई लोग कई स्कीम स्कैम्स में फंस जाते हैं, फिर वो हर अपॉर्चुनिटी को स्कैम समझना शुरू कर देते हैं उसको बिना अंडरस्टैंड करें। ठीक है, और इसीलिए वो जिंदगी में बड़े बड़े मौकों को खो देते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अपॉर्चुनिटी एक टाइम की तरह होती है जो कभी किसी का वेट नहीं करती। जैसे टाइम किसी का वेट नहीं करता, आप ग्रैब करोगे आप ग्रोगे, अगर आप नहीं करोगे कोई और होएगा। एक बार एक पेट्रोल पंप पे एक शख्स पेट्रोल डाल रहा था, एक लग्जरी गाड़ी आई, उसने अपना कार्ड दिया एक शख्स ने जो गाड़ी को चला रहा था, और बोला पेट्रोल पंप वाले को, क्या आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, मुझे कॉल कर लेना। उसने वो कार्ड लिया, उसने वो कूड़े में फेंक दिया, विश्वास नहीं किया। तो वहां पे एक झाड़ू लगाने वाला था जिसने वो कार्ड उठाया और उसको कॉल की, और 2 साल बाद क्या हुआ, वो झाड़ू लगाने वाला गाड़ी लेके आया, सेम लग्जरी कार, और पेट्रोल डलवा रहा उसी इंसान से जिसने वो कार्ड फेंका था। और जैसे उन्हें शीशा डाउन के उसे बोला, थैंक यू सो मच, आज मैं जहां पे भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। उसने क्या जवाब दिया पेट्रोल पंप वाले ने? कह रहा कैसे, मैं तो आपको जानता भी नहीं। कहते आप मेरे को नहीं जानते, आप मेरे को इसलिए नहीं जानते क्योंकि आज मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है, मैं वही इंसान हूँ जो यहाँ झाड़ू मारता था। याद कर, तेरे को 2 साल पहले किसी ने कार्ड दिया था, और वो कार्ड आज, वो कार्ड तूने कूड़े में फेंका था, वो कार्ड मैंने उठा लिया था और उस पर कॉल करी, आज वो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, और थैंक यू तूने वो कार्ड फेंक दिया था। उसी तरीके डियर, जब आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आप ग्रैब नहीं करोगे, वही अपॉर्चुनिटी किसी और के पास जाएगी, और उसने ग्रैब कर ली तो वो जिंदगी उसकी बदलेगी। ठीक है,
तो अच्छे से आप भी अच्छे से मेहनत करें, एक साल अच्छे से मेहनत करें, एक साल बाद आप खुद अपनी लाइफ में रिजल्ट देखना। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, जगदो फट्टे, ऑलवेज रिमेम्बर वी आर बॉर्न टू फेल। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,